मैल्कम मार्शल को भी पता चल गया था कि हिंदुस्तान का इंडियन क्रिकेट में सीन चेंज होने वाला है, टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तो सबसे पहली बात, टुडेज मोटिवेशन इज अबाउट अचीविंग ग्रेटनेस। कैसे ग्रेटनेस आती है, वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, और ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई विल स्टार्ट इट विद अ रियल कोट गिवन बाय मोहम्मद अली, और ये इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स। आपको तो पता ही है हैशटैग बॉर्न फॉर ग्रेटनेस नमो सर कब से यूज़ कर रहे हैं, तो दैट वॉज द फर्स्ट हैशटैग आई एवर यूज्ड इन माय लाइफ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली ने जो कोट दिया था वो ये था, आई एम द ग्रेटेस्ट, सुनना, आई एम द ग्रेटेस्ट आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। मतलब सुनना मेरी बात, जब मोहम्मद अली को ये पता भी नहीं था दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट, ही स्टार्टेड सेइंग इट। इसने कमिटमेंट कर दी, फिर इसने किसी की नहीं सुनी, उसको सही करने में, सही साबित करने में जिंदगी गुजार दी, बहुत मेहनत की, नंबर वन होके दिखा दिया, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होके दिखा दिया। तो चलो अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, उनका टर्निंग पॉइंट कब आया था, कोई मुझे बता सकता है कि उनका टर्निंग पॉइंट कब आया था इंडियन क्रिकेट टीम का? ईयर बताइए, आपको क्या लगता है इंडियन क्रिकेट टीम का टर्निंग पॉइंट कब आया था? मेरे पास लिखा है सारे डेटा, क्योंकि उस टाइम मैं भी पैदा नहीं हुआ था, तो सोचो। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का जो टर्निंग पॉइंट था वो 1983 में आया था, जब वो पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे। तो वो उस टाइम वर्ल्ड कप जीते थे वेस्ट इंडीज़ से वर्ल्ड कप जीते थे। ध्यान से सुनना, वेस्ट इंडीज़ उस टाइम डोमिनेट करने वाली टीम थी, और मतलब अगर आप 74 की बात करें, 79 की बात करें, हमेशा वेस्ट इंडीज़ ही जीतती थी, हिंदुस्तान का तो चांस ही नहीं था। हिंदुस्तान वो सीन एज अ वीक टीम दैट टाइम, बहुत वीक टीम देखी जाती थी। तो उस टाइम सुनील गावस्कर वॉज वन ऑफ द टॉप बैट्समैन है ना, जो हमारे इंडिया के थे। तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक, साइकैट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उन सबको बुलाया गया है ना, जो मोटिवेट करते हैं, है ना, पैशन भरते हैं, आग लगाते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम भी हमारे जैसा कोई वहाँ पे होगा, तो दैट टाइम सुनील गावस्कर के साथ एक इंटरव्यू हुआ है ना, एक मनोवैज्ञानिक को बिठाया गया। उस मनोवैज्ञानिक में उसने आग भर दी, उसने बोला कि अगर मैल्कम मार्शल, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैल्कम मार्शल द बेस्ट बॉलर है, अगर वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, तो सुनील गावस्कर यू आर द बेस्ट बैट्समैन, अगर वो बेस्ट बॉलर है तो तुम बेस्ट बैट्समैन हो। मैल्कम मार्शल बहुत बढ़िया बॉलर था, 6 फीट का था, 90 की स्पीड पे बॉल फेंकता था, और कहते थे कि वो जो आपका अंपायर होता था ना, अंपायर के पीछे से निकल के आता था तो दिखता नहीं था किसी को, तो बहुत इजीली बोल्ड कर देता था। तो अगर आप ये देखोगे 6 मैचेस में भी मोस्ट ऑफ द विकेट्स वर टेकन बाय मैल्कम मार्शल। तो मैल्कम मार्शल वाज वन ऑफ देयर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, उनकी मतलब मैल्कम मार्शल की वजह से ये मार रहे थे। तो बेसिकली मनोवैज्ञानिक ने बोला, और उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, उसके जो अगला मैच था, पहला टेस्ट सीरीज, लंच से पहले ही सेंचुरी, 107 रन, क्लोज टू 107 रन सुनील गावस्कर मार चुका था, और चार चौके मार दिए थे उसने पहले ही ओवर में। मैल्कम मार्शल के अगेंस्ट 4 चौके मार दिए थे सुनील गावस्कर ने, ये सोच के कि अगर ये वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है तो मैं वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन। खाली ये बिलीव, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो बिलीव था, ये जो एटीट्यूड था, ये इंडिया का टर्निंग पॉइंट था। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैल्कम मार्शल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसके बाद लिखा था कि मैल्कम मार्शल को भी पता चल गया था कि हिंदुस्तान का इंडियन क्रिकेट में सीन चेंज होने वाला है, टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तब आपने देखा, प्लेयर वही था, टीम वही थी, बट एटीट्यूड बदल गया। तो उसके बाद जब एटीट्यूड बदल जाता है ना आपका, योर एटीट्यूड शुड बी लाइक मोहम्मद अली, दैट यू आर बॉर्न फॉर ग्रेटनेस एंड काइंडनेस, बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में अचीव करना।